मेरे शहर को ये किसकी नजर लगी और प्रेम प्रसंग को लेकर लोग आमने सामने हो गए। बीती रात नीमच के उपनगर सिटी में जो हुआ वो शर्मसार कर देने वाला था। वो तो गनीमत रही कि एसपी तुषारकांत विद्यार्थी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और नापाक इरादा रखने वालों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ कर ली गई, नहीं तो मालूम नहीं क्या होता। प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसने बीती रात उग्र रूप ले लिया और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। मामला एक वर्ग विशेष की युवती के साथ एक लड़के के घर छोड़कर भाग जाने का था, जिसमें सिटी पुलिस ने युवती के आने पर उसे परिजनों के हवाले कर दिया था। लेकिन बीती रात इसी मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और फिर मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि नीमच सिटी में तनाव पैदा हो गया। पुलिस की इस कार्रवाई से मौके पर तनाव शांत हो गया, लेकिन नीमच सिटी में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है। एसपी तुषारकांत विद्यार्थी की सजगता से एक बार फिर नीमच सांप्रदायिकता की आग में झुलसने से बच गया। श्याम नाम की एक लड़की है, वो अपने घर से जो है ना बिना बताए के चली गई थी, तो उसके परिवार वालों ने आकर जो है ना थाने पर आए थे, जिनकी रिपोर्ट पर जो है ना उसकी लड़की के गुम इंसान की जो है ना सूचना लिखी गई और उस लड़की के परिवार के साथ में जो है ना कई जगह प्रयास भी किया गया, लेकिन जो है ना लड़की के परिवारजनों को कुछ किसी के ऊपर शंका वंका रही होगी, उसी आधार पर आज कुछ लोग इकट्ठे होकर किसी परिवार विशेष के पास जाके जो है ना कुछ हुड़दंग करने का उन्होंने प्रयास किया और पुलिस को जैसी सूचना मिली तो पुलिस ने जो है ना सभी फोर्स के साथ यहाँ पर तत्काल मौके पर आए और हुड़दंग करने वाले कई लोगों को पुलिस ने अपनी पकड़ा है और उनको पकड़ के थाने लेके। कितना आरोपी पकड़े सर? अभी हम देख के बताएंगे आपको पूरा, बाकी अभी शांति है और पूरी तरह से जो है ना हालात जो है ना बिल्कुल साथ। वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर की रिपोर्ट।